अस्सलाम वालेकुम ज़बीउल लगन, आज मैं माउंटेन्स एरिया में हूँ और ये पाकिस्तान के पहाड़ी इलाका है, सरहदी इलाका है। ये निमली मीरा इस गांव का नाम है, लेकिन ये आज मैं आपको निमली मीरा के बारे में अभी नहीं बता रहा। मैं आपको अपनी उस वीडियो के नीचे आए हुए कमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमारे कुछ दोस्तों ने हमारी उज़्बेकिस्तान के हवाले से जो वीडियो बनी, जिसमें हमने कहा कि आप उज़्बेकिस्तान में करोड़पति बन सकते हैं और आप कौन सी जॉब कर सकते हैं, कौन सा कारोबार कर सकते हैं। नीचे दोस्तों ने कुछ मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स किए हैं और हमसे कुछ सवालात भी पूछे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे नाज़रीन का, व्यूअर्स का ये हक बनता है कि अगर हम उनके सामने अपने आप को पेश करते हैं, कोई मालूमात रखते हैं, तो वो उसके हवाले से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकें, और अगर कोई मालूमात मज़ीद लेना चाहते हैं तो वो उसमें हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दो मेजर चीज़ें जो हमसे पूछी गई थी, एक तो ये थी कि उज़्बेकिस्तान में अगर पाकिस्तानी नौजवान वहाँ जाकर शादी करना चाहते हैं तो वो शादी कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा। दूसरा, एक भाई ने नीचे कमेंट्स किए हैं, उसने कहा है कि ये उज़्बेकिस्तान में एक महीने में हम क्या कर सकते हैं, जाते ही एक महीने में सारी कमाई उड़ जाएगी और जो पैसे लेकर जाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और हम फिर वैसे के वैसे रह जाएंगे, तो एक महीने में क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो दरअसल मैंने भी तो यही आपसे कहा था कि एक महीने में कुछ नहीं होगा। मैंने तो सबसे पहले उस वीडियो में आपको ये बताया कि आप अगर कोई भी स्किल पर्सन हैं, आपके पास कोई डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, और आप समझते हैं कि आपको इसके बदले में अच्छी जॉब मिल सकती है, तो आप पाकिस्तान से अपनी जॉब को सर्च करके जाएं। आप गूगल पर बैठें, आप सर्च करें कि उज़्बेकिस्तान के किस शहर में, किस एरिया में मेरी ये जो मेरा प्रोफेशन है या मेरी स्किल है, इसके बदले में मुझे कहाँ पे अच्छी जॉब मिल सकती है और क्या इसकी सैलरी कितनी होगी। और अगर आप यहाँ से थोड़ी सर्च करके जाएं जॉब के हवाले से, तो आपको वहाँ जाकर जॉब तलाश करने में फिर आसानी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि 100% कामयाबी हो जाती है, लेकिन आसान हो जाता है आपके लिए। दूसरा, कारोबारी लोगों के लिए मैंने कहा था कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान से बिज़नेस सर्च करके जाएं कि भाई वहाँ कौन सा बिज़नेस हो सकता है। फिर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने जाते ही मार्केट में अपना पैसा फेंक देना है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपको मैंने एक मशवरा दिया था कि आप पाकिस्तान एम्बेसी जो ताशकंद के अंदर मौजूद है, आप पाकिस्तान एम्बेसी जाइए। पाकिस्तान एम्बेसी में बिज़नेस अताशी आप ही के लिए बैठे हुए हैं, वो आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, वो आपकी रहनुमाई के लिए बैठे हुए हैं। और ताशकंद में उज़्बेकिस्तान एम्बेसी तो बहुत वेलकमिंग है, बहुत वेलकमिंग, यानी पाकिस्तानी एम्बेसी का जो स्टाफ है बहुत हम्बल है, और जो पाकिस्तानी वहाँ पर पहुँचते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बड़ी इज्जत मिलती है उनको। तो आप वहाँ पर जाइए, वो तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे पाकिस्तान से कोई आए और आकर के हमसे मालूमात ले, हम उसे मालूमात दें। बल्कि ख़ुद एम्बेसी के लोग ये गिला करते हैं कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन या जॉब करने के लिए यहाँ पर आते हैं, वो हमारे पास आते नहीं हैं और ख़ुद ही बाहर जॉब तलाश करना शुरू कर देते हैं, ख़ुद ही तजर्बे करते हैं, ख़ुद ही बिज़नेस करते हैं, और बाज़ दफ़ा उस बिज़नेस में से उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो मैंने तो आपसे ये कहा था कि आप पाकिस्तान एम्बेसी जाकर रابطہ कीजिए, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे बिज़नेस के हवाले से भी और जॉब के हवाले से भी। अब मैं अगली एक बात कर दूं कि वहाँ शादी करना कितना आसान है। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में होता हूँ। मेरे पास वहाँ पर ना कोई ट्रैवल एजेंसी है, ना मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, ना मैं रिक्रूटमेंट एजेंट हूँ, ना मैं वीज़े लगाता हूँ, ना ये मेरा बिज़नेस है, मेरा ये इनमें से कोई भी काम नहीं है। अगर आप मुझे ये कहें कि मैं आपको वीज़ा लेकर दूँ, तो मैं भी किसी ट्रैवल एजेंट की मदद लूँगा। अगर मुझे आप कहें को जॉब लेकर दो, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता जॉब कहाँ पर होगी। मैं गाइड कर सकता हूँ, रहनुमाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं जॉब लेकर बैठा हुआ हूँ, तो ये मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं। मैं उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में होता हूँ और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को चलाता हूँ, और वहाँ हमारे पास 500 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो MBBS और MD की डिग्री कर रहे हैं। इसलिए आप मुझे बार बार वीडियोस में उज़्बेकिस्तान में देखते हैं, मैं 2012 से मैं वहाँ पर हूँ। तो मैं पहले तो ये बता दूँ कि मैं वहाँ पे शादी के लिए रिश्ते लेकर नहीं बैठा हुआ,
और ना जो जॉब पर भाई आ रहे हैं उनके लिए जॉब फाइंड करके बैठा हुआ हूँ। जो शादी की आम तौर पर प्रैक्टिस रही है पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, वो ये है कि आप वहाँ पर जाइए, विज़िट वीज़ा लीजिए, उसके बाद अपना साल का वीज़ा लीजिए और वहाँ पर कुछ वक्त गुजारिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की ज़ुबान क्या है, लैंग्वेज क्या है, और फिर मुकामी लोगों को पाकिस्तानी लोगों के साथ शादी करने में कोई कबाहत नहीं है, वहाँ उनको कोई एतराज़ नहीं है। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों ने उज़्बेकिस्तान के अंदर मुकामी लड़कियों के साथ शादी की हुई है और वो शादियाँ कामयाब जा रही हैं। मैं आपको बताऊँ, उज़्बेकिस्तान के जो लोग हैं बेहतर लोग हैं, और बिलखसूस जो सराउंडिंग एरियाज़ के गांव देहातों के लोग हैं, वो बहुत शौक़ से पाकिस्तानी लड़कों, पाकिस्तानी नौजवानों के साथ शादी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके फाइनेंशियली हालात को बहुत अच्छे नहीं होते और वो फिर पाकिस्तानी नौजवानों के साथ शादी शौक़ से कर लेते हैं। उन्हें ये पता होता है कि हमारी बेटी कुछ भी हो जाएगा, कम से कम बाहर आ जाए, अच्छे घर में उसे रखेगा, उसको खाना खिलाएगा। और मैं एक और बात बता दूँ कि उज़्बेकिस्तान शायद चंद मुल्कों में एक मुल्क होगा कि जहाँ पे अगर पाकिस्तानी नौजवानों ने मुकामी लड़कियों के साथ शादी की है तो पाकिस्तानी लोगों ने उनके साथ बेवफाई भी नहीं की, उन्हें अच्छे तरीके से, उनसे उनकी औलाद हुई है और वो अच्छे तरीके से उज़्बेकिस्तान में अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी लोग उज़्बेकिस्तान में शादी करके अपने साथ पाकिस्तान अपने दुल्हन को ले आए हैं और यहाँ पर भी वो उन्हें अच्छे तरीके से, सलीके से, इज्जत के साथ उन्होंने रखा हुआ है। तो लिहाजा उज़्बेकिस्तान के लोगों का पाकिस्तानी लोगों के साथ शादी करने का तजर्बा बुरा नहीं है, नाकाम नहीं हुआ, बल्कि अच्छा तजर्बा है। तो लिहाजा अगर आप वहाँ जाकर शादी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ जाकर कुछ वक्त गुजारना चाहिए, नौहों होनी चाहिए, फिर आप वहाँ पर शादी कीजिए। जाते ही आंखें बंद करके शादी कर लेना, ना आपको उसकी लैंग्वेज आती होगी जिससे आपकी शादी हो और ना उसे आपकी लैंग्वेज आती होगी, और फिर इशारों में ही आप बातें करते रहिएगा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे रोटी पका दो, तो फिर ये कोई ज़िंदगी का लुत्फ़ तो ना होगा ना। तो थोड़ा सा अब वहाँ वक्त गुजारें, उसके बाद शादी कीजिए। और अगला सवाल ये है कि उस शादी के बाद क्या आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, क्या आपको वीज़े में आसानी या सहूलत हो जाएगी? जी बहुत सहूलत हो जाएगी। जब आपकी शादी हो जाएगी, आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके मैरिज सर्टिफिकेट, अपना निकाहनामा जमा करवाएंगे और उस निकाहनामे के बिहाफ पे आपको 2 साल का रेजिडेंशियल परमिट मिल जाएगा, एक कार्ड मिल जाएगा। पहली दफ़ा 2 साल का मिलेगा, हो सकता है दोबारा फिर 2 साल का दें, फिर 5 साल का मिल जाएगा, फिर वो आपका रीन्यू होता रहेगा तो वो आपको सहूलत होगी। जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मकामी लड़की के साथ शादी करके होगा वो ये होगा कि आपको जो ज़ुबान का लोकल लैंग्वेज बैरियर था वो ख़त्म हो जाता है। वो सरकारी इदारों में आपके साथ जाएंगी, वो कंपनी रजिस्टर करवानी है आपके साथ जाएंगी, और कोई लोकल किसी एक बिज़नेस डील कर रहे हैं आप किसी लोकल सिटीज़न के साथ, उज़्बेक के साथ, वो आपके बिहाफ पे डील करेंगी और वो आपका एक ऐसा बाजू बन जाएंगी। चूँकि वहाँ उज़्बेकिस्तान की जो लड़कियाँ हैं वो सोशल हैं, वो घरों में कैद होकर रहने वाली नहीं हैं, आप उन्हें अपने बिज़नेस में साथ शामिल कर सकते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करती हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में आपके जाएंगी और बैंक के आपके काम कर सकती हैं, किसी को बिज़नेस नहीं डील करनी है वहाँ जा सकती हैं, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप किसी लोकल से शादी करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो इस वीडियो पे उज़्बेकिस्तान वाली वीडियो पे कमेंट्स थे वो उनके जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं, और अगर मज़ीद आप उज़्बेकिस्तान के वाले से कुछ जानना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी दयानतदारी के साथ आपको वहाँ के जो असल सूरत हाल है वो बताऊँ। चूँकि मैंने आपको बताया मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मेरा ये कंपनियाँ बनाना काम है, ना मेरा कोई वीज़ा इशू करना काम है, मैं आप ही की तरह का एक पाकिस्तानी हूँ जो यहाँ पर मौजूद हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं आपसे पहले आ गया था, अगर आप आना चाहेंगे तो आप मेरे बाद आएंगे। थैंक यू वेरी मच।